हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक साथ आता हूं, तो फिर आज एक टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में, फिल्टर मीडिया के बारे में। और जैसा कि आपने देखा था, 5 फीट का टैंक मैंने बनाया था और उसका सम फिल्टर भी बनाया था, और सम फिल्टर का मीडिया के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था, और उसमें से एक वीडियो मैंने पेंडिंग रखी थी। और उस दिन जब मैं ये सेटअप सब डाल रहा था, आपने देखा होगा, ये सब मीडिया के बारे में बोल रहा था, तो मैं बोला था कि आगे जाकर मैं K1 मीडिया भी इसमें ऐड करूँगा, जो आने वाले दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए, मैंने अमेज़न से मंगवा लिया है K1 मीडिया। इस तरह का होता है, 1 लीटर मैंने मंगवाया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये K1 मीडिया होता है। इसको मूविंग बेड भी कहते हैं। मूविंग बेड किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये मूव होते रहता है, जैसा कि यहाँ पर बायोबॉल्स मूव हो रहे हैं। अगर ये मैं उसमें डाल दूंगा तो ये भी मूव होता रहेगा। इसका मतलब जो मूव होते होते बेड, मतलब सोने की जगह होती है, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को अंदर सोने के लिए अलाउ करते हैं। मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया मोर कॉलोनीज बनाते हैं कंपेयर टू सिरामिक रिंग्स या बायोबॉल्स। बात करें तो K1 मीडिया जो बहुत बेस्ट है, इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा बनने की वजह से आपका पानी और क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा, फिशेस की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये K1 मीडिया जो है ज़्यादातौर पर फॉरेन कंट्री में या बाहर के कंट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन वहाँ पर YouTube पे कहीं दिखाते नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये जो मरीन रखते हैं, मरीन वाले, तो बहुत सारे लोग मैक्सिमम जो है मरीन रखने वाले इसको बनाते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत कम रखते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी जो आप सम फिल्टर बनाते हैं उसमें रख सकते हैं। आप अभी वो बोलोगे कि सिर्फ सम फिल्टर वालों के लिए ही ये वीडियो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो उसे अलग से एक बॉटल लेकर उसमें मूविंग जैसा एक एयर पंप डाल के भी आप बना सकते हैं, जो 2 लीटर का पानी होता है। यहाँ पर मैं आपको रेफर पिक्चर दे रहा हूँ। इस तरह का भी बनाकर आप अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। तो इसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट सबसे पहले ये होता है कि इसमें मोर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी और क्लियर रहेगा और अमोनिया रिड्यूस हो जाएगा। मतलब 0 लेवल पर अमोनिया जो है आपका टैंक के अंदर अमोनिया ज़्यादा है। अगर आप K1 मीडिया इस्तेमाल करोगे तो आपका पानी जो है टैंक का पानी का अमोनिया लेवल 0 हो जाएगा, और नाइट्रेट भी कम हो जाएगा। नाइट्रेट की वजह से भी फिशेस को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे फिशेस को दिक्कतें आती हैं, ये सब प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएगी। K1 मीडिया आप कह सकते हो तो सबसे बेस्ट मीडिया है जो एक्वेरियम में इस्तेमाल होता है। इसमें भी K1 K2 आता है, लेकिन जो छोटा वाला होता है बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा बनने की वजह से और भी फिशेस को हेल्थी और हैप्पी रखने में हेल्पफुल होता है। और K1 मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जब भी पानी में मूव होता है, वही उसी जगह पे आप डालना है। अगर आप अलग से, सिर्फ आपके पास 1.5 फीट की या 2 फीट की टैंक है, तो उसके अंदर आप स्पॉन्ज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। स्पॉन्ज के साथ आप एक बॉटल ले लो, उल्टा रख दो नीचे से, जैसा हम बेबी अर्थी मीने हैच करके दिखाए थे, उसी तरह आप नीचे क्या करके ऑक्सीजन सप्लाई कर दो। ऊपर बंद रहना चाहिए और थोड़ा होल्स डाल के बीच में इसमें डाल दो, तो ये मूव होता रहेगा, ऑक्सीजन भी सप्लाई होता रहेगी, जिसकी वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनेगा। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस फ्री मीडिया कह सकते हो। इसको कभी भी वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ही आप चला सकते हो। आप अपने एक्वेरियम के अंदर या फिल्टर के सिस्टम के अंदर या सम फिल्टर के अंदर, टॉप सम फिल्टर है या कैनिस्टर फिल्टर के अंदर भी डाल सकते हो, या टॉप फिल्टर के अंदर डाल सकते हो, जो आपकी फ़िशेस को एक एक्स्ट्रा कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएगा आपकी फ़िल्टर सिस्टम के अंदर, जो पानी स्मूथ रखने में, क्लीन रखने में, या आपके फिशेस को हेल्थी रखने में, और अमोनिया रिड्यूस करता है और नाइट्रेट रिमूव करता है, इसमें हेल्प करता है। तो इसको इस्तेमाल करना कैसा है? मूविंग में, जैसा कि अभी यहाँ पर मूव हो रहे हैं, तो मैं ये डाल देता हूँ। ये लीटर के हिसाब से आता है, ये जो है 1 लीटर मैंने मंगवाया है, किलो के हिसाब से नहीं मिलता है, लीटर के हिसाब से मिलता है। तो इस तरह ये मूव होता रहता है, देखिए यहाँ पर ये मूव होता, जैसा कि बायोबॉल्स मूव होते रहते हैं। अभी थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में ये पूरा मूव होता रहेगा। मूव होने के बाद ऐसा फास्ट मूव होगा, इसके बाद धीरे 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 थोड़े दिन गुजरेंगे, इसके अंदर से बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसे मूविंग बेड कहते हैं, मैंने पहले भी कहा। तो देखिए अभी मूव हो रहे हैं, हालांकि मैंने बहुत कम मंगवाया है, और मैं 1-2 किलो मंगवा के डालूंगा मिनिमम। बहुत सारे लोग मंगवाने वाले 10 किलो भी मंगवाते हैं, मैंने सैंपल के लिए मंगवाया था, तो अभी मुझे भी मेरे हिसाब से अभी इसमें 2 किलो और डालना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, जितना मूवमेंट होता है इसका उतना और भी अच्छा होता है। इसके डालने के बाद क्या होगा फ़ायदा? जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके टैंक का पानी पहले से ज़्यादा बेटर क्लीन रहेगा, पहले से ज़्यादा आपकी फिशेस और हेल्थी रहेगी, और अमोनिया और नाइट्रेट लेवल 0 हो जाएगा। आपके टैंक का पानी, अगर आप pH मीटर से या pH की टेस्टिंग की डाटा उसे टेस्ट कर रहे हो, और आपके टैंक में पानी का जो अंदर अमोनिया ज़्यादा है, नाइट्रेट ज़्यादा है, उसको स्लो डाउन कैसा करना है, मतलब उसको ब्रेक डाउन कैसा करना है, 0 लेवल पे कैसे आना है, तो ये आप मीडिया इस्तेमाल कर लेना।
जिसके बाद आप अपने एक्वेरियम के अंदर एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा, जिससे पानी क्लीन और क्लियर भी रहेगा और फिशेस भी आपकी हेल्थी रहेगी। तो इस तरह के सैंपल मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर दे सकते हो, इस तरह पिक्चर्स में या वीडियो सैंपल दिखा रहा हूँ, इस तरह से सैंपल वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो, आप अपने एक्वेरियम में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ ओनली आप मूविंग बेड जो केवन मीडिया है वो डालने से फ़ायदा नहीं है, इसके साथ साथ दूसरा मीडिया भी ज़रूरी है, जैसा कि स्पॉन्ज फिल्टर हो गया, स्पॉन्ज हो गया या सिरेमिक रिंग्स हो गए, इसके साथ में जो बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार के मीडिया आते हैं, अलग अलग प्रकार के मीडिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करने के जो कॉलोनीज बनाने की मीडिया होते हैं, उसके साथ में ये ऐड ऑन कर सकते हो। सिर्फ एक ही चलाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा एक्वेरियम पानी क्लीन करने के लिए। दूसरे स्पॉन्ज फिल्टर के साथ भी आप रख सकते हो, या स्पॉन्ज के साथ रख सकते हो, या दूसरे मीडिया के साथ रख सकते हो। तो आज का बस सिंपल वीडियो था केवन मीडिया के बारे में, किस तरह इस्तेमाल करना है। मूविंग बेड इसको कहते हैं इसीलिए क्योंकि ये पानी के अंदर मूव होता रहता है, पानी अगर आप इसको बंद कर देंगे सम फिल्टर को तो बंद हो जाएगा, वरना पानी मूव होता है तो ये भी मूव होता रहेगा, मूव होने से ही इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास दूसरा भी मीडिया है, स्पॉन्ज है और सिरेमिक रिंग्स है, तो उससे ये बेस्ट है। कोई भी कंपनी का ले लो, इवन आप अच्छे से अच्छे कंपनी का भी अगर आप मीडिया ले रहे हो तो उससे ये बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो मीडिया है उससे ये बेटर है, मतलब आप कोई भी मार्केट में मीडिया कंपेयर करो, जितने भी क्वालिटी या कॉस्टली से कॉस्टली जो मीडिया आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, उसमें ये सबसे बेस्ट कह सकते हो। ज़्यादातर पर ये मरीन टैंक के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मरीन वाले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मरीन वाले में क्या होता है, पानी का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ध्यान देते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में ऐसे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं कि पानी का मेंटेनेंस होता है। तो इसलिए आप अगर आपके पास कैनिस्टर फिल्टर है या सम फिल्टर है या टॉप फिल्टर है तो उसमें ज़रूर ऐड कर देना जहाँ पर पानी मूव होता है, या DAB फिल्टर बना के रख देना, क्वालिटी बने जिससे आपकी फिशेस हेल्थी बने। तो ये सब डिपेंड होता है मीडिया सिस्टम के ऊपर, जितना मीडिया अच्छा होगा फिल्टर मीडिया उतना आपकी फिशेस भी हेल्थ होगी और टैंक का पानी भी क्लीन और क्लियर रहेगा। बस आज का वीडियो यही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस तरह के टॉपिक बहुत सारे लाते रहते हैं मेरे चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।